हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग में। यदि आप आईटीआई या डिप्लोमा कर रहे हैं तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको वेस्ट वाटर एंड इरीगेशन इंजीनियरिंग में आपको सेप्टिक टैंक पढ़ाएंगे। ठीक है, सेप्टिक टैंक पढ़ने से पहले आपको कुछ डिटेल पता होनी चाहिए। ठीक है, जो मेरी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है मैं इसको आपको बताता हूँ कि ये क्या क्या मैंने आप लिखा है। यहाँ पर सबसे पहले लिखा है मैंने नंबर्स ऑफ यूजर्स। आप जो सेप्टिक टैंक बना रहे हो कितने नंबर्स ऑफ यूजर्स पर्सन के लिए बना रहे हो। ठीक है, जो हमने नंबर्स ऑफ यूजर्स दिखाया है आपको 5 नंबर्स के लिए, 10 के लिए, 15 के लिए और 20 नंबर्स के लिए। यानी कि अगर 10 पर्सन है या 5 पर्सन है या 15 या 20 पर्सन है तो उनके लेंथ, विड्थ और लिक्विड डेप्थ कितनी रहनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 5 नंबर यूजर्स के लिए सेप्टिक टैंक बना रहे हो तो उसके लिए लेंथ 1.5 और उसकी विड्थ 0.75 और उसकी जो डेप्थ होगी लिक्विड की वो 1 मीटर होनी चाहिए। ये जो आर डायमेंशन मैंने ऐसे लिखी है ये ऑल डायमेंशन इन मीटर में है। ठीक है, यदि आप सेप्टिक टैंक बनाना चाह रहे हो 2 मीटर, सॉरी 10 पर्सन के लिए, तो उसकी लेंथ 2 मीटर होनी चाहिए और विड्थ 0.90 मीटर और उसकी लिक्विड डेप्थ 1 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही 15 मीटर के, 15 पर्सन के लिए अगर आप बना रहे हो तो 2 मीटर की लेंथ 0.9 सेम और क्या लिक्विड डेप्थ उसकी बढ़ जाएगी 1.3। सेम ऐसे ही अगर आप 20 पर्सन के लिए बना रहे हो, जो 20 पर्सन यूज़ करने हैं उसके लिए 2.3 आपकी लेंथ हो जाएगी, 1.1 उसकी विड्थ हो जाएगी और लिक्विड डेप्थ 1.3 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल मैंने आपको लिखी है। अगर आप इनमें से किसी के लिए भी आपको बनाने के लिए आ जाता है 10 पर्सन के लिए, 15 के लिए, मोस्टली आपको 10 पर्सन के लिए आएगा बनाने के लिए, तो आपको यही बनाना होता है कि 2 मीटर की लेंथ है, उसकी विड्थ कितनी है 0.90 मीटर की है और आपकी लिक्विड लिक्विड डेप्थ कितनी है 1 मीटर की है। ठीक है, इस पर हम बनाएंगे। अब देखो, सेप्टिक टैंक में एक बफल वॉल होती है। ठीक है, सेप्टिक टैंक में एक बफल वॉल होती है जिसकी मोटाई कितनी होती है, थिकनेस 40 mm से 80 mm के बीच होनी चाहिए। ठीक है, और स्कम्प लेवल से, स्कम्प लेवल जो होगा यानी कि जो लिक्विड की लेयर होगी आपके सेप्टिक टैंक में उससे ऊपर कितने ऊपर होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए 150 mm ऊपर होनी चाहिए और नीचे आपकी 400 से 700 mm नीचे होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में, इनलेट पाइप के बारे में। इनलेट पाइप कितना होना चाहिए, इनलेट पाइप आपका 100 mm डाई का यानी कि 10 सेंटीमीटर डाई का होना चाहिए। और ये कितना डूबा होना चाहिए इनलेट पाइप, इनलेट पाइप आपका समर्ज होना चाहिए, पानी में डूबा होना चाहिए, कितना 250 से 600 mm लगभग आपका डूबा रहना चाहिए। ठीक है, इसमें से आप कुछ भी लेंथ ले सकते हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं आउटलेट पाइप की, आउटलेट पाइप का डाई भी आपका 100 mm का होना चाहिए और जो ये डूबा होगा सबमर्ज्ड होगा, सबमर्ज्ड डेप्थ कितनी होनी चाहिए 200 से 500 के बीच mm के बीच आप ले सकते हैं। ठीक है, और जो ये होता है आपका 50 mm ऊपर रहता है किससे, इनलेट पाइप से। ठीक, अब बात करते हैं रूफ, रूफ स्लैब जो होनी चाहिए वो 80 mm थिक होनी चाहिए और आपकी फ्लोर स्लेबिंग, फ्लोर जो स्लोप होगा, फ्लोर स्लोप 1:7 का आपको स्लोप देना है। ठीक है, और जो आप स्लोप की कंक्रीट लेंगे वो 250 mm से 200 mm दिखा सकते हैं। ठीक है, जब हम दिखाएंगे तो बताएंगे। और स्पेसिंग कितना होना चाहिए आपका, उसका लिक्विड से जो ऊपर खाली जगह होनी चाहिए वो 300 से 400 mm होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं सबसे पहले 10 mm यूजर्स के लिए सेफ्टी टैंक। ठीक है, 10 mm यूजर्स के लिए जब सेक्टिंग टैंक बना रहे हैं तो जो ये डायमेंशन दी गई है उसकी लेंथ, उसकी विड्थ, ठीक है, तो ये क्या होती है, इनर डायमेंशन होती है कि विदाउट वॉल ये इनर डायमेंशन होती है कि पूरी डायमेंशन नहीं होती बाहर तक की। तो आपको 2 मीटर जो दी गई है लेंथ दी गई है वो सेप्टिक टैंक की इनर डायमेंशन है, उसके बाहर हम वॉल बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमें यहाँ पर करना है, जो मेरी 2 मीटर है इसको मैं सेंटीमीटर में बदल रहा हूँ, तो सेंटीमीटर बदलने के लिए मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मानता हूँ एक स्केल, किसी स्केल की हेल्प से हम शुरू करेंगे। स्केल मैंने जो मानी 1:10 की मैंने स्केल मानी। ठीक है, जो हमने स्केल मानी 1:10 की, तो मैं क्या करता हूँ इसको 10 से डिवाइड करता हूँ। 10 से डिवाइड करने के बाद 1 0 कट जाएगी तो आपके पास 20 सेंटीमीटर की क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। तो 20 सेंटीमीटर की हमें क्या लेनी है, 20 सेंटीमीटर की मैं लेता हूँ लेंथ। ठीक है, स्केल को हम करेंगे 0 पर सेट। स्केल को 0 पर सेट करने के बाद हमें क्या करना होगा, 20 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी कितनी है, 20 सेंटीमीटर की लेंथ है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर की लेंथ लेने के बाद मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, बाद में देखेंगे हमें कितनी
ऊपर डेप्थ में लिक्विड वाटर जी खाना होगा, वो बाद में देखेंगे ठीक है। ये बनाने के बाद मुझे आउटर साइड में बनानी है वॉल। वॉल वॉल कितनी ले रहा हूँ, वॉल में जो लूंगा वॉल लूंगा मैं 20 सेंटीमीटर की, 20 सेंटीमीटर थिक मैं वॉल लूंगा। तो 20 सेंटीमीटर को मैं डिवाइड कितने से करूँगा, जो मैंने स्केल मानी है 10 से, तो मेरे पास कितना जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर की वॉल इस साइड और 2 सेंटीमीटर की वॉल इस साइड बनाएंगे ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2 सेंटीमीटर इस साइड वॉल बनाया यहाँ तक, और 2 ही सेंटीमीटर मैंने वॉल बनाई इस साइड में ठीक है। पॉइंट यहाँ पर लगाया और 2 सेंटीमीटर की वॉल वॉल मैंने ड्रॉ की। अब इस वॉल को मैंने कितना 10 सेंटीमीटर इस साइड आउटर साइड में बाहर निकाला, 10 सेंटीमीटर इस साइड में ठीक है। 10 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर के बराबर, क्लियर। और 1 सेंटीमीटर ही इस साइड में निकला। और फ्लोर कंक्रीटिंग जो मैं कर रहा हूँ वो 250 mm की कर रहा हूँ। फ्लोर कंक्रीटिंग में कितने कर रहा हूँ, 250 mm, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। फ्लोर कंक्रीटिंग में 250 mm की, यानी कि 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। 250 mm को मैंने जैसे सेंटीमीटर में चेंज किया, तो 25, और 25 को मैंने डिवाइड किया कितने से, 10 से। मैं इसको डिवाइड करूँगा, 10 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 2.5 सेंटीमीटर यहाँ जो आपका बेस है किसका, यहाँ पर जो आपका बेस है इसका नीचे सेप्टिक टैंक का, तो 2.5 सेंटीमीटर लेके जाएंगे। मैंने नीचे हाइट ली 2.5 सेंटीमीटर, कहाँ तक मिलाएंगे इसको, इसका जो मैंने वॉल का आउटर पोर्शन निकाला था 10 सेंटीमीटर, इसके इस पोर्शन से मिलाएंगे इस साइड भी ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको मिलाया ठीक है। तो ये मेरा जो पोर्शन बन गया नीचे, कंक्रीटिंग का पोर्शन मैंने शो किया है ठीक है। ये मेरा क्या हुआ, नीचे मैं कंक्रीटिंग शो कर रहा हूँ, जो फ्लोर कंक्रीटिंग मैंने बनाई है, ये मेरी है फ्लोर कंक्रीटिंग, क्लियर है। ये मेरी क्या है, फ्लोर कंक्रीटिंग ओके। अब इसमें मैं क्या कर दूंगा, कंक्रीटिंग शो कर दूंगा। कंक्रीटिंग मैंने ऐसे कुछ शो किया। कंक्रीटिंग शो करने के बाद अब मुझे क्या दिखाना है, ये इस साइड में मैं इनलेट पाइप बनाऊंगा, इस साइड में मैं आउटलेट पाइप बनाऊंगा। इनलेट पाइप की साइड से हमारा क्या स्लोप कम रहता है उस साइड में। अब देखो 1:7 का स्लोप दिखाने के लिए आपको क्या करना है, 0 से 8 डिग्री का एंगल ले लीजिए, 8 डिग्री का एंगल लीजिए और इनलेट पाइप की साइड से ऊपर उठा दीजिए, इस साइड लीजिए और इस साइड से इनलेट पाइप की साइड में ऐसे ऊपर लेकर जाइए ठीक है। और इसमें क्या कर देनी है, इसमें कंक्रीटिंग कर देनी है। मैंने क्या दिखाया, 8 डिग्री का मैंने एंगल लिया और स्लोप बनाया 1:7 का। 1:7 का स्लोप बनाने के बाद अब क्या करना है, इस पर प्लास्टर कर देना है 12 mm थिक। क्या करना है, 12 mm थिक प्लास्टर कर देना है इनर साइड में, जो इनर साइड पोर्शन है इसका हमारा इनर साइड में 12 mm थिक। तो 12 mm को मैंने सेंटीमीटर में बदला तो कितना आ गया, 1.2 सेंटीमीटर। अब मुझे इसको 10 से मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 0.12 सेंटीमीटर, यानी 0.1 mm। तो 0.1 mm का स्केल को मैंने क्या किया, 0 पर सेट किया। अब इसमें मैंने प्लास्टर किया ठीक है, 1 mm का मैंने प्लास्टर शो किया। ये मेरा प्लास्टर है, ऐसे ही मैंने 1 mm का इस साइड भी प्लास्टर किया, इस साइड भी मैंने 1 mm का प्लास्टर प्लास्टर इस साइड भी मैंने, सॉरी ये मार्क थोड़ा सा चल रहा है, तो प्लास्टर मैंने इस साइड भी किया ठीक। और ये जो नीचे स्लोप दिखाया है, इस स्लोप पर भी मैंने 1 mm का प्लास्टर शो करके दिखाया ठीक है। ये प्लास्टर हो गया। अब प्लास्टर होने के बाद अब हमें दिखाना है कि लिक्विड हमारा कितनी डेप्थ तक है, लिक्विड हमारा कितनी डेप्थ तक है, 1 मीटर तक। तो इसका सेंटर लिया, इसका मैंने क्या किया, इसका मैंने सेंटर लिया, सेंटर पॉइंट ये है ठीक। अब यहाँ से 1 मीटर, 1 मीटर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर को मैं कितने से डिवाइड करूँगा, जो मैंने स्केल मानी है, तो कितना चलना है मुझे, 10 सेंटीमीटर पर आपका लिक्विड 10 सेंटीमीटर। तो ये मेरा 10 सेंटीमीटर का पॉइंट है। तो यहाँ तक मेरा क्या है, यहाँ तक मेरा लिक्विड स्कम्प है, स्कम्प लेवल मेरा क्या है, ये मेरा स्कम्प लेवल है ठीक है।
तो ये मेरा क्या है, यहाँ तक की हाइट मेरी कितनी है, 1 मीटर, 1 मीटर की मेरी हाइट है, क्लियर है, कितनी हाइट है, 1 मीटर, 1 मीटर की हाइट है मेरी, क्लियर। अब देखो इस साइड में मैं इनलेट पाइप बना रहा हूँ, इस साइड में आउटलेट पाइप बनाऊंगा, वो बनाता हूँ पहले मैं इसके ऊपर, इसको क्या कर देता हूँ, इसके ऊपर रूफ स्लेब डाल देता हूँ, और रूफ स्लेब डालने के लिए मुझे कितने 300 mm का स्पेसिंग, फ्री स्पेस रहता है जिसमें क्या वाटर नहीं होता, तो 300 mm हमारा कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, 30 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर मैंने ऊपर लिया, और ऊपर की साइड में मेरा क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा रूफ। तो मैं इस साइड इसको लेकर गया, ऐसे ही इधर लेकर आया यहां पर, और ये पॉइंट ऊपर तक मिला दिया, प्लास्टर का भी ऊपर तक मिला दिया, ठीक है। अब रूफ हमारा, रूफ की थिकनेस कितनी है, 80 mm की, यानी कि 8 mm, 80 mm यानी कि आपका हो जाएगा कितना, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर को मैंने डिवाइड किया 10 से, तो 8 mm, 8 mm का मैंने क्या किया, ऊपर 8 mm थिक ऊपर डाल दी मैंने स्लेब, ठीक है, 8 mm थिक मैंने क्या की, स्लेब ऊपर डाल दी ऐसे, ठीक है। तो मैंने ये स्लेब ऊपर डाल दी और इसको कुछ पार्टों में ऐसे कर दिया, ठीक है, और यहां पर किया डॉट डॉट डॉट, दिखा दिया मैंने कि आपकी ये स्लेब है कंक्रीटिंग की, ये 8 mm थिक रूफ स्लेब है, क्लियर, ये हमारा ये हो गया। अब मैं क्या दिखाता हूँ, इनलेट पाइप, इनलेट पाइप जो होता है हमारे इस कंप लेवल से, ये मेरा क्या है, इस कंप लेवल, ठीक है, ये इस कंप यानी कि यहाँ पर मेरा मल का जो लेवल है वो है 1 मीटर की हाइट पर, ठीक। तो जो हमारा इनलेट पाइप होता है उसका साइज इससे 50 mm ऊपर होता है, कितना, 50 mm ऊपर, तो 50 mm का मतलब 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को मैंने 10 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितना है, 5 mm, तो 5 mm ऊपर मैंने पॉइंट लगाया, और यहाँ पर कितना 100 mm का, यानी कि 10 सेंटीमीटर डाई का क्या बनाया, पाइप बनाया, इनलेट पाइप, और इनलेट पाइप को आउटसाइड में बाहर की ओर ऐसे निकाल दिया, ठीक है। तो ये मेरा इनलेट पाइप, अब मैंने इसको कितना अंदर दिखा रहा हूँ, इसको कितना अंदर दिखा रहा हूँ, नीचे की ओर कितना डूबा होना चाहिए आपका इनलेट पाइप, इनलेट पाइप आपका 250 से 600, तो मैं 250 ले रहा हूँ, यानी कि 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर को मैं 10 से डिवाइड करूँगा, 25 को मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो 2.5 आएगा, तो 2.5 सेंटीमीटर मैं इसको सबमर्ज कर रहा हूँ, और इसका डाया कितना है आपका, 1 सेंटीमीटर का, यानी 10 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का मैंने इसको डाया लिया, और ये मैंने ऐसे इनलेट पाइप बनाया, ठीक है। अब जो हमारा इनलेट पाइप हो गया, इस साइड में आउटलेट पाइप, आउटलेट पाइप आपका कहाँ पर होता है, जो हमारा इसका लेवल है, इसका लेवल होता है वाटर का, इसके लेवल पर इसका पाइप का नीचे नीचे का पोर्शन होता है, तो यहाँ पर इसका ये पोर्शन मैंने मिलाया, इसको बाहर निकाला, और 1 सेंटीमीटर डाएगा मैंने पाइप बनाया, 1 सेंटीमीटर में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है, 10 सेंटीमीटर के, तो ये मैंने क्या बनाया, इसको यहाँ पर किया रफ। अब ये देखो ये कितना सबमर्ज होना चाहिए आपका, ये आपका कितना सबमर्ज होना चाहिए, ये आपका कितना सबमर्ज होना चाहिए, आउटलेट पाइप, आउटलेट पाइप सबमर्ज डेप्थ ऑफ 200 से 500, तो मैं 200 ले रहा हूँ, 200 मतलब 200 mm को 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर के इक्वल, और तो मैंने डाया बनाया 1 सेंटीमीटर का, और ये क्या बना दिया, इनलेट पाइप यहाँ पर बनाया, ठीक है, सॉरी आउटलेट पाइप बनाया, ये मेरा क्या है, ये मेरा है आउटलेट पाइप, आउटलेट पाइप वो भी कितना 100 mm डाएगा, 100 mm पाइप, और ये मेरा क्या है, इनलेट पाइप, इनलेट पाइप, और वो भी कितना 100 mm डाएगा, क्लियर है। आगे जो मार्किंग करेंगे वो आगे देखेंगे, सबसे पहले हम क्या बफल वॉल बना लेते हैं। अब बफल वॉल आपकी जो इनलेट पाइप की वॉल होती है उससे L/5 पर होती है,
कितनी एल बाई फाइव पर बफल बॉल बनाई जाती है एल बाई फाइव। अब एल हमारा कितना है 2 मीटर, ठीक है 2 मीटर को मैंने बदला सेंटीमीटर में, तो कितने से करूँगा 100 से मल्टीप्लाई करूँगा और 5 से कर दूंगा इसको डिवाइड। तो मैंने इसको किया तो यहाँ पर मेरा कितना आ गया 2, ठीक इसकी मल्टीप्लाई मैंने किया तो मेरे पास कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। अब 40 सेंटीमीटर इस साइड से बोलोगी, 40 का मतलब मैं इसको कर दूँ स्केल से डिवाइड 10 से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर नहीं के 400 mm, तो मैं इस साइड से कितना लूँगा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर ये लिया मैंने और ऊपर की ओर ऐसे मैंने बनाई वॉल, और ये कितनी थी के 40 mm ठीक बना रहा हूँ मैं, तो यानी कि 4 mm, 40 mm का मतलब कितना होगा 4 mm, तो 4 mm मैंने ठीक बनाई। अब इसको ऊपर लेके गया, अब देखो लेकर कितनी जा रही है स्कम्प लेवल से, कितनी ये स्कम्प लेवल है, इस स्कम्प लेवल से कितनी 150 mm, यानी कि 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर को मैंने 10 से डिवाइड किया तो 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो ये मेरा 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पर बैठ रहा है, तो यहाँ पर मेरा 1.5 सेंटीमीटर बैठ रहा है, तो इसको मैंने बनाया 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पर, ठीक। अब देखो ये बिलो कितनी होनी चाहिए 400 700, तो मैं 400 ले रहा हूँ, यानी कि 40 सेंटीमीटर, 40 का मतलब 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर कहाँ बैठ रहा है मेरा, ये 4 सेंटीमीटर ही बैठ रहा है, ठीक है। तो ये मेरी बन गई बफल बॉल। अब कितनी इससे कितना एल बाई सेवन पर, एल बाई सेवन लिख दो या 400 mm लिख दो, तो ये मैंने कितने पर दिए, सॉरी एल बाई फाइव पर मैंने दिए, एल बाई फाइव पर मैंने यहाँ पर बफल बॉल दिखाई है। अब देखो अब इसमें मैं थोड़ी सी नेमिंग कर देता हूँ, यहाँ पर ये मेरी हाइट, ये मेरी हाइट फ्री फ्री बोर्ड बोला जाता है, ये फ्री बोर्ड कितना है मेरा, फ्री बोर्ड है 300 mm, 300 mm क्या है फ्री बोर्ड एम बी, क्लियर। ये इनलेट पाइप हो गया, आउटलेट पाइप हो गया, ठीक है। अब मैं शो कर देता हूँ इसमें, ये जो मेरा नीचे है ये क्या है मेरा फ्लोर कंक्रीटिंग, फ्लोर कंक्रीटिंग, ठीक है ये मेरी फ्लोर कंक्रीटिंग है। अब यहाँ पर जो मैंने इस फ्लोर कंक्रीटिंग की हाइट ली है कितनी ली है 250 mm, तो मैं इसको शो कर देता हूँ कितना 250 mm, ठीक है। अब ये बाहर कितनी निकाली है मैंने, यहाँ पर ये निकाली है मैंने 100 mm, 100 mm, क्लियर। अब यहाँ पर इनर साइड में मैंने क्या किया 12 mm थिक प्लास्टर, 12 mm थिक प्लास्टर, क्लियर 12 mm थिक प्लास्टर किया है। ये मेरी क्या है यहाँ पर, यहाँ पर मेरी ये क्या है, ये मेरी है बफल बॉल, तो मैं यहाँ शो कर रहा हूँ ये है मेरी बफल बॉल, ठीक है ये क्या थी मेरी बफल बॉल थी, बफल बॉल, क्लियर ये हमें मेरी बफल बॉल थी, बफल बॉल जो मैंने क्या दिखाई है नीचे जो सबमर्ज है इसमें और ऊपर कितनी फ्री है, ठीक है ये मैं सारी शो कर देता हूँ। ये 400 mm तो मेरे सबमर्ज की है, कितनी 400 और ऊपर कितनी है 150, कितनी यहाँ पर शो कर रहा हूँ 150, ठीक है 150 मैंने ये बनाया। अब ये डाया यहाँ पर दिखा रखा है हमने, अब हम करते क्या है 45 डिग्री पर लीजिए और इसमें ब्रिक की हैचिंग शो कर दो, ब्रिक की हैचिंग मैंने यहाँ पर शो किया, ठीक है ब्रिक हैचिंग मैं शो कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे ब्रिक इसमें दिखा दी ब्रिक सिंबल की, ये मेरी ब्रिक वॉल है, तो आपने कुछ ऐसे करके ब्रिक वॉल शो किया, ठीक है। इस साइड भी हम क्या कर देते हैं ब्रिक वॉल शो कर देते हैं, ब्रिक वॉल शो कर देते हैं, क्लियर है ऐसे मैंने ब्रिक वॉल शो किया,
ठीक है, जैसे मैं शो कर रहा हूँ सेम ऐसे ही आपको शो करना है। ब्रिक वॉल शो करने के बाद अब मुझे क्या बनाना है, वेंटिलेटर पाइप बनाना है। तो ये हमारा जो होता है 2 मीटर हाइट पर 50 mm डाई का, 50 mm यानी कि 5 mm, 5 mm आपको दिखाना है। ये तो मैं इसको यहाँ से जिग जैग से कटिंग करके ऐसे दिखा रहा हूँ, और ऊपर भी मैं वेंटिलेटर पाइप लेके जा रहा हूँ। तो मैंने इधर से क्या किया, कटिंग किया, और ये मेरा क्या है, वेंटिलेटर पाइप है। किस किस डाई का, ये है मेरा 50 mm डाई का, 50 mm पाइप, ठीक है, पाइप है ये वेंटिलेटर पाइप। ठीक, तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा सेक्शन बन गया सेप्टिक टैंक का। ये क्या है मेरा सेक्शन, ये मेरा सेक्शन हो जाता है तैयार सेप्टिक टैंक का। अब मुझे क्या बनाना है, इसका प्लान बनाना है। तो प्लान बनाने के लिए मैं इसको रफ कर देता हूँ और इसकी प्रोजेक्शन लाइन ऊपर लेकर जाता हूँ। ये मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ इसको, ठीक है, स्केल भी कर रहा हूँ, ये स्केल ध्यान रखना। तो ये मेरा यहाँ पर क्या तैयार हुआ, यहाँ पर हमारा तैयार हुआ प्लान सेक्शन। अब मुझे क्या करना है, जो हमारी आउटर वॉल है वो सभी आउटर वॉल क्या करेंगे हम, ऊपर आउटर वॉल और जो भी प्लास्टर वगैरह हमने किया है इनको ऊपर लेकर जाएंगे। ठीक, तो इसकी प्रोजेक्शन लाइन में कुछ ऐसा लेकर गया, ऐसे ही हमारी यहाँ पर है, तो ये प्रोजेक्शन लाइन भी मैं ऐसे ऊपर लेकर गया, क्लियर है। अब जो हमारा ये प्लास्टर हमने किया था, इसकी प्रोजेक्शन लाइन भी मैं ऐसे ही ऊपर लेकर जाऊंगा। सेम ऐसे इस साइड से भी लीजिए, सेम ऐसे भी इस साइड से भी हमने प्रोजेक्शन लाइन ऊपर लेकर गए, ठीक है, ऐसे सेम इस साइड से प्रोजेक्शन लाइन लेकर गए हम। ये हमारी प्रोजेक्शन लाइन सभी ऊपर ऐसे लेकर गए, क्लियर है, ये लेकर गए। अब जो हमारी थिक थी प्लास्टर की, प्लास्टर की प्रोजेक्शन लाइन भी हम ऐसे ऊपर लेकर गए, क्लियर है, ये लेके चले गए। अब हमारी बफल वॉल है, बफल वॉल भी लेके जाएंगे, साथ ही साथ ले जाएंगे। अब देखो नीचे से मैं जो इनर पोर्शन है प्लास्टर के साथ, ठीक है, प्लास्टर का ये पोर्शन मैं मिला रहा हूँ, यहाँ पर मैंने इसको मिलाया। अब देखो ये वॉल है हमारी, इस साइड से मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इस साइड से भी मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब वॉल है हमारी इनर वॉल, यहाँ से इसको मिला दीजिए इनर साइड से, क्योंकि मनामन को प्लास्टर होगा, तो इसको मिलाया, तो इस साइड से भी इसको रफ कर दीजिए, इस साइड से भी इसको रफ कर दीजिए। अब आपकी कितनी है वॉल, आपकी है 20 सेंटीमीटर, ठीक, तो 20 सेंटीमीटर की यहाँ लाइन लीजिए और यहाँ से इसको आउटर वॉल के साथ मिला दीजिए, ठीक है, तो ये आउटर साइड आपकी बन गई, क्लियर है। अब देखो इसकी विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ है आपकी 90 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर रहा हूँ मैं, सेंटीमीटर में चेंज करूँ तो 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर को जब मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर हाइट लीजिए, 9 सेंटीमीटर की मैंने ये ली विड्थ ली, और यहाँ से इसको लाइन को ड्रॉ किया, ठीक, तो मैं क्या किया इसको यहाँ तक रफ किया, इस साइड भी प्लास्टर की लाइन को इस यहाँ तक रफ किया। और रफ करने के बाद जो ये इनर साइड में वॉल है, तो 1 सेंटीमीटर ऊपर लिया, 1 सेंटीमीटर ऊपर लिया और इसको यहाँ पर इसके साथ मिलाया, ठीक है, इस साइड से फिर इसको भी रफ किया और इस साइड से इसको भी रफ किया। अब जो हमारी ये थी हमारी कितनी है, 20 सेंटीमीटर की, 20 सेंटीमीटर इनकी 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर की यहाँ पर मैंने वॉल ड्रॉ की, तो इस साइड से इसको भी और इस साइड से इसको भी रफ किया, ठीक है। ये करने के बाद हमें क्या करना है, जो हमें हमारी बफल वॉल थी, बफल वॉल का प्रोजेक्शन मैं लेके जाऊँगा यहाँ पर, तो इसको डायरेक्ट इसके साथ यहाँ पर मिला दूंगा। अब इस साइड से भी प्रोजेक्शन लेके जाऊंगा ये, तो इसको भी कहाँ है यहाँ पर इसको मिला दूंगा। अब देखो ये मेरा सेप क्या है, इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप। तो हमें क्या करना है, इसका सेंटर पॉइंट पकड़ना है, जो हमारा ये प्लास्टर के बाद बच गया सेंटर पॉइंट, तो सेंटर पॉइंट मैंने पकड़ा यहाँ पर और एक सेंटर लाइन ऐसे ड्रॉ की, ठीक है, इस साइड से भी और इस साइड से भी, और यहाँ पर आपका पाइप दिखा दिया कितना, 1 सेंटीमीटर डलेगा, 1 सेंटीमीटर डलेगा, मैंने पाइप यहाँ पर ऐसे शो कर दिया, क्लियर है, तो ये मेरा पाइप बन गया इस साइड, ठीक है।
अब ऐसे ही इस साइड भी आपको करना है 1 सेंटीमीटर था, तो 0.5 mm इस साइड, 0.5 mm इस साइड के पॉइंट हमने लगाए और ऐसे इसको बाहर लेकर गए, और यहाँ पर हमने आउटलेट पाइप बना दिया। ठीक है, ये आउटलेट पाइप बना दिया। अब करना क्या है, हैचिंग कर दीजिए पहले इसमें ब्रिक की, 45 डिग्री का एंगल लीजिए और ब्रिक हैचिंग इसमें शो कर दीजिए। ठीक है, ब्रिक हैचिंग ऐसे हम कर रहा हूँ, देख लीजिए। ठीक है, ऐसा आपको ब्रिक हैचिंग करनी है। क्लियर? तो इस साइड से भी लिया, यहाँ पे ऐसे ही सो कर दिया, ऐसे ही यहाँ पर हमने सो दिया। ठीक है, फिर आगे की ओर लेके जाते हैं, इस साइड भी हमने ब्रिक सो की, आगे लेके जाइए। थोड़ी लेंथ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, थोड़ी नज़दीक नज़दीक बनानी है, तो ऐसे हमने ब्रिक हैचिंग हम करते चले जाएंगे। ठीक है, ऊपर की साइड से भी हम ऐसे दिखाएंगे, ऐसे करके सो की इसकी। ठीक है, तो कुछ ऐसे हमने ब्रिक हैचिंग सो की। क्लियर है? तो ये हमने ब्रिक हैचिंग ऐसे सो कर दिया। ठीक है, ये ब्रिक हैचिंग सो हमने की, और सो करने के बाद अब हमें क्या दिखाना है, दिखाना है इसमें ये मेरा क्या है, आउटलेट पाइप, आउटलेट पाइप। अब ये मेरा क्या है, इनलेट पाइप, इनलेट पाइप। और ये बीच में क्या है, ये है बफल वॉल, बफल वॉल है। ठीक है, अब देखो मैंने एक चीज यहां पर छोड़ी है, जो ये 100 mm का प्रोजेक्शन दिखा रखा है मैंने यहाँ पर आउटर साइड में, आउटर साइड में 100 mm का प्रोजेक्शन है, तो ये 100 mm का प्रोजेक्शन इसके चारों बना दीजिए। 100 mm यानी कि ये डॉटेड लाइन करके, ऐसे डॉटेड लाइन करके ये प्रोजेक्शन इसकी 100 mm की फाउंडेशन का दिखा दीजिए, जो हमारी एक्स्ट्रा वॉल निकली है। ऐसा बनाया, ऐसे ही इस साइड भी 100 mm की ऐसे डॉट 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 लाइन लेकर जाइए। ठीक है, ऐसे डॉट 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 लाइन लेकर गए, इस साइड भी 100 mm लिया। 100 mm यानी कि 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का मतलब आपका कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, डिवाइड करने के बाद स्केल में ऐसे सेम ऊपर भी आपको ऐसे करके बना देनी है। ठीक है, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये डॉटेड बनाया है मैंने, ये हमारी होती है 100 mm वाइड, ये क्या है मेरी 100 mm वाइड फाउंडेशन कंक्रीट, फाउंडेशन कंक्रीट। ठीक है, ये 100 mm क्या है मेरी फाउंडेशन कंक्रीट। अब ये मेरे बीच का कितना वाइड है, ये वाइड है बी, यहाँ पर डब्ल्यू मेरा कितना था, ये मैं शो कर सकता हूँ कितना, 0.90 मीटर। ठीक है, ये अंदर क्या है, प्लास्टर है, प्लास्टर में शो कर सकता हूँ, ऊपर की ओर कर रहा हूँ। ये है 12 mm थिक, 12 mm ठीक प्लास्टर। क्लियर है? और ये हमारी 20 सेंटीमीटर की ब्रिक वॉल है। अब ये मेरा क्या बना, ये मेरा बना प्लान। ठीक है, ऐसे मेरा प्लान कंप्लीट हो जाता है, और हम यहाँ पर शो कर सकते हैं फ्लोर, ये आपकी यार रूफ, रूफ क्या है, रूफ स्लैब है आपकी 80 mm थिक रूफ स्लैब। ठीक है, 80 mm थी रूप से में, ये आपका वेंटिलेटर है। तो इस प्रकार आपका क्या कंप्लीट हो जाता है, सेप्टिक टैंक का आपका सेक्शन और प्लान कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, थोड़ी आप इससे एक्स्ट्रा भी डिटेल
जो है वो दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर और ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल आपको बनानी है तो और ज़्यादा डिटेल एक्स्ट्रा आप इसमें दिखा सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली ये डिटेल आप दिखाइए, दिखाने के बाद आपका कंप्लीट बन जाएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से सेफ्टी टैंक की ड्राइंग तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।